ईयर ट्रेनिंग किस तरह करें? ये जो टर्म है ईयर ट्रेनिंग, इसका क्या मतलब होता है? आइए पूरा वीडियो देखिए और मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस अनुसार, जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने जाना सीखा है आपसे साझा करूंगा, शेयर करूंगा, सिखाऊंगा आपको मैं कि ईयर ट्रेनिंग कैसे की जाती है और इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। सीधा सा यही मतलब है इसका कि कान कैसे तैयार किए जाएं संगीत में, आपके जो कान हैं वो संगीत वाले कैसे बने। तो आइए पूरी चर्चा करते हैं इस पर, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं घर बैठे वीडियो कॉल पर संगीत, तो अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धरा SPW, हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप तीनों पर अवेलेबल है। अभी परचेज कीजिए कोर्सेज और सीखिए संगीत घर बैठे। सुर ज्ञान, लय ज्ञान, गाना निकालना आना, ये सारे वही टॉपिक हैं जो ईयर ट्रेनिंग के अंदर आते हैं। इस पर मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ, लेकिन ये टर्म ईयर ट्रेनिंग, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, इसलिए ये सवाल हमेशा बना रहता है कि ईयर ट्रेनिंग कैसे होगी। वरना मैंने इसकी टेक्निक्स तो सारी बता रखी ऑलरेडी कि कैसे होगी, वो सब मैं बता चुका हूँ, लेकिन हाँ उसको एक टॉपिक में मैंने समअप कभी नहीं किया, तो शायद इस वजह से ये सवाल हमेशा बना रहता है कि ईयर ट्रेनिंग कैसे होगी। तो आइए उस पर बात करते हैं। संगीत के कान कैसे तैयार होते हैं? मैं कोई सुर सुनता हूँ तो मुझे मालूम चले कि वो सुरीला है या बेसुरा। मैं कोई लय सुनता हूँ या ताल सुनता हूँ तो मुझे मालूम चले कि वो बेलय है या बेताला है, या फिर वो लयदार है और वो ताल में है, ताल का अच्छा है, ताल में चूका नहीं, वो सही आया उसका सम। ये मुझे कैसे मालूम चलती हैं सारी चीज़ें, किसी को भी, मुझे इन द सेंस किसी को भी कैसे मालूम चलेंगी और इसका क्या तरीका है? मैंने पहले भी कहा है कि अगर जो चीज़ स्टोरेज में ऑलरेडी नहीं है, यानी आपका ये जो स्टोरेज है, ये जो हार्ड डिस्क है आपकी, जो TB भर के आपकी हार्ड डिस्क है, इसमें अगर कोई चीज़ ऑलरेडी नहीं पड़ी है, कोई कंटेंट, कोई मटेरियल नहीं पड़ा है, तो आप सर्च करेंगे अगर कुछ इसमें, तो मैच फाउंड कैसे करेगा? बहुत सिंपल सा काम है भाई। कंप्यूटर पे अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो आप वो फाइल डालते हैं, जैसे मेरे नाम की फाइल ढूंढनी है निषाद, तो अगर वो फाइल ऑलरेडी इसमें है ही नहीं तो मिलेगी कैसे? इसी तरह से कोई भी चीज़ पहचानने के लिए, जैसा कि मैं पहले भी बोला है मैंने कि जानने और पहचानने में फ़र्क होता है, कोई भी चीज़ हम जानते हैं तो कैसे जानते हैं, उसको हम पहले देखते हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि हमने रिकॉग्नाइज़ किया। तो रिकॉग्नाइज करना मतलब रिकॉग्नाइज करना, कॉग्निटिव जो आपका सेंस है, यानी वो चीज़ को पकड़ना कि हाँ ये चीज़ एक पैंट है, ये एक शर्ट है, ये एक कुत्ता है, ये एक बिल्ली है ना, ये एक गाड़ी है, ये बाइक है, क्या है, जो कुछ भी है आप कॉग्नाइज करते हैं। फिर वही चीज़ आप दोबारा जब देखते हैं तो आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि अच्छा मैंने वो जो चीज़ देखी थी वो एक कार थी, तो इसका आकार, इसका शेप इससे मिलता है, मतलब ये भी एक कार है, है ना, ये भी एक गाड़ी है, ये भी एक इंसान है। तो ये रिकॉग्नाइज करना कहते हैं, जिसे हम हिंदी में या उर्दू में कहते हैं पहचानना। और पहचानना मतलब उसको अच्छे से परखना, उसकी डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए, इसीलिए इन दो शब्दों में फ़र्क होता है, जान और पहचान, है ना। वसीम साहब का एक शेर है, मैं आपको उससे आपसे साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। वसीम बरेलवी बहुत ही अच्छे शायर हैं, पोएट हैं हमारे, वो कहते हैं कि जानने वालों की इस भीड़ से क्या होगा वसीम, जानने वालों की इस भीड़ से क्या होगा वसीम, इनमें ये देखिए मुझे कोई पहचाना भी, कि इनमें ये जानिए, इसमें ये परखिए कि इनमें से कोई मुझे पहचानता भी है वाकई, या ये सिर्फ मुझे जानते हैं यहाँ पर, कि ये सिर्फ ये जानते हैं कि आप वसीम बरेलवी एक शायर हैं, है ना, वो ये नहीं जानते कि वसीम बरेलवी एक्चुअली में एक पर्सन कैसे हैं, कि उनकी शख्सियत कैसी है, उनकी सोच, उनके विचार कैसे हैं, उनकी आदतें, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ कैसी हैं। तो ये खैर ये किसी पे भी अप्लाई होती है चीज़, कि किसी चीज़ को पहचानना मतलब उसको अच्छी तरह से परखना, उसकी डिटेल, उसकी बारीकियाँ आपको मालूम होनी चाहिए, उसका एनालिटिक्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपने पूरा एनालिसिस किया, उसका संशोधन किया, उसे कहते हैं पहचानना, है ना। तो ये वो वाली चीज़ है। अब ये चीज़ अगर आप संगीत में अप्लाई करते हैं कि आप कोई चीज़ पहचानते हैं, सुर पहचानना, लय पहचानना, तो तब पहचानते हैं जब आप ऑलरेडी उसकी परख रखते हैं खुद, और वो परख तब होती है जब आपने वो चीज़ सीखी है, है ना। तो यहाँ तक आती है बात, है ना, घूम के इतनी लंबी, कि सुर पहचानने के लिए सुर आना ज़रूरी है, लय पहचानने के लिए लय आनी ज़रूरी है। गाने में अगर आपको सरगम पता करनी है तो सुर मालूम होने चाहिए आपको। अगर ये पता करना है कि ये गाना कौन सी राग में है तो बेसिक सी चीज़ क्या चाहिए, राग मालूम होनी चाहिए। अगर राग यमन कभी सुनी ही नहीं, सीखी ही नहीं, तो पता कैसे पड़ेगी, पहचानोगे कैसे? जान से पहचान, पहले जानो उसको अच्छे से, फिर पहचानते हैं ना, तभी तो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे उसे हम, है ना। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब यही एयर ट्रेनिंग के अंदर भी आता है। हम कहते हैं कि भाई वो चीज़, हमारा सुर जो है हमें मालूम नहीं चल रहा है कि बेसुरा हो रहा है कि सुरीला,
क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सुरों को जानते ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है, हम सिर्फ सात सुरों से वाकिफ है कि सा रे गा मा पा धा नी, इतने ही सुर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सात तो शुद्ध हैं, उसके अलावा चार हमारे कोमल सुर भी होते हैं, एक तीव्र सुर भी होता है। तो ये ग्रामेटिकल उसका व्याकरण नॉलेज आता है यहाँ पर, कि आपको जानने को मिले कि बारह सुर कैसे कैसे जा रहे हैं। उसके बाद और डिटेल में जाओगे तो आपको श्रुतियाँ भी जानने को मिलेंगी कि सा भी एक नहीं चार प्रकार का होता है, है ना। अलग अलग श्रुतियाँ हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, जिनमें से हमारे हिंदुस्तानी पद्धति में कौन सा सा इस्तेमाल होता है और कर्नाटक पद्धति में कौन सी श्रुति वाला सा इस्तेमाल होता है, चौथी श्रुति का कि तीसरी श्रुति का, और हमारे यहाँ कौन सा यूज होता है। तो ये बहुत डिटेल में जब आप उतरते हो तो पहचानने में आती हैं चीज़ें। इसे ही ईयर ट्रेनिंग कहते हैं, इसे कहते हैं संगीत के कान पक्के होना, जिसे बहुत सरल मुहावरे में लोग कह देते हैं कि पहले कान सेन फिर तान सेन, यानी पहले कान के पक्के बनो, बाद में सुर के पक्के बनोगे, तब जाके वो प्रैक्टिकली गा पाओगे, है ना। तो ऑब्जर्वेशन पहला जरूरी है, बाद में आप उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ ईयर ट्रेनिंग में कैसे आ रही है, सुरों को कैसे मालूम चल रहा है? अगर आपने थाट नहीं सीखे, ये तो खाली 12 सुर हैं, इन 12 सुरों के हमारे 10 अलग अलग फॉर्म्यूलाज हैं एक तरह से, जिनसे जिनको हम कैटेगरीज का नाम दे सकते हैं, कि थाट जिसे हम कहते हैं, कि अलग अलग सारणी है कि सारे गमा पधनिसा, ये सात शुद्ध वाले सारे गमा पधनिसा। अब उन्हीं 12 में से हमने थोड़े कॉम्बिनेशन बनाए कि दो कोमल ले लिए, एक शुद्ध ले लिया है और एक तीव्र ले लिया, तो एक थाट बन गया। अब तीसरा थाट बनाया जिसमें एक ही कोमल लिया और एक ही तीव्र लिया, और फिर देखते हैं क्या थाट बनता है, बाकी जो सुर हैं उनको एज इट इज रहने दें। तो इस तरह से कई सारे थाट बनते हैं, जिन्हीं पर कैटेगराइज्ड रागें भी अलग अलग हैं, जिनके ही वो सुर लगते हैं, वो कोमल शुद्ध तीव्र, ये जब तक नहीं मालूम चलेगा। उसके अलावा अलग अलग पिच होते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में कहते हैं स्केल्स, जबकि स्केल उनको कहना सही नहीं होगा, वो अलग अलग पिचेस हैं कि आपका पहली काली है, दूसरी काली है, तीसरी काली है, चौथी काली, अलग अलग पिच से वो चीज़ें गवती हैं, बजती हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें मालूम नहीं हैं तो पहचानोगे कैसे? इसे ही कहते हैं ईयर ट्रेनिंग करना, यानी वो सारे थाट, सुर, स्केल्स, ये सब सीखना। और ये सारा का सारा स्वरांगिनी द म्यूजिक बुक ऑफ संगीत प्रभा वर्ल्ड का सिलेबस है, मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी के द्वारा संकलित किया गया, वो जो एक ग्रंथ है एक तरह से हमारा, उसका सिलेबस है, है ना। उस पाठ्यक्रम को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपको शुद्ध सुर सिखाए जाते हैं सातों, उसके बाद उसमें कोमल ऐड किए जाते हैं कि कैसे उसी सुर को कोमल बनाया जा सकता है, उसी को तीव्र बनाया जा सकता है, फिर कोमल तीव्र के कॉम्बिनेशंस अलग अलग, यानी थाट आपको आते हैं। तो जब आप अलंकारों को थाटों में गाते हैं अलग अलग, फिर उन्हीं को आप अलग अलग स्केल्स से देखते हैं कि कैसे 12 स्केल होते हैं, 12 पिच होते हैं जिनसे आप उनको गा बजा सकते हैं। तो जब ये सब भवंडर इससे आप गुजर चुके होते हैं तो आपको सब मालूम चलता है कौन सा सुर कहाँ बज रहा है, कौन से स्केल से, कौन से थाट में बज रहा है। ईयर ट्रेनिंग कहते हैं इसे। ईयर ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है, ये तो खाली सुर के लिए है। उसके बाद आता है लय। लय की ईयर ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि लय कैसे मालूम चलेगी, कि गति या उसकी बांट कैसे मालूम चलेगी। जैसे मैं कहता हूँ, हर गाने में, हर चीज़ में दो चीज़ें होती है, एक लय होती है, एक उसकी बांट होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। दोनों को समझना पड़ता है। लय तो उस गाने की ओवरऑल स्पीड है। जैसे कोई गाना चल रहा है, जैसे मैंने बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं हमेशा जनगणमन का, क्योंकि वो हम सब जानते हैं। तो कैसे जाता है, जनगणमन अधिनायक, तो ये उसकी लय है, एक दो तीन चार, या फिर इसको डबल कर दो तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, है ना, धिन ता ता धिन ता धिन ता ता धिन ता, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच, है ना। ये जो भी लय आपको मनानी, सारे इसके मल्टीपल्स हैं, है ना। आप उसकी ठा मानो, दुगुन मानो, चौगुन मानो, जो भी मानना, आधी मानना, जो भी मानो, पर लय बेसिकली यही है, उसका जो टेम्पो बनेगा, बीपीएम बनेगा, वो ये बनेगा, ठीक है। ये हो गई इस गाने की पूरी ओवरऑल लय, जो हमेशा एक जैसी रहती है। अब आते हैं इसकी बांट पर। बांट कहते हैं वर्ड्स के बीच की स्पेसेस को, कि वर्ड्स कितनी देर में बोले गए हैं। तो इसकी बांट एकदम बराबर की है, जन गण मन अधि, एकदम बीट टू बीट बोला जा रहा है। लेकिन अब मैं अगर इसकी बांट बदल दूं तो जो, तो कैसा जाएगा, जन गण मन अधि नायक जय हे। आप देख रहे हैं लय नहीं बदली है, लय वही जा रही है, एक दो तीन चार, लय एक जैसी जा रही है। मैंने बदली तो क्या बदली, उसकी बांट बदली। वो कैसे, वर्ड्स की स्पेसेस बदल दी। कोई थोड़ा सा जल्दी बोल दिया, थोड़ा सा धीरे बोला, जन गण मन अधिनायक। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ हमारे इस गीत का, हमारे इस राष्ट्रगान का, है ना, बिल्कुल भी। तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कोई ऑफेंड होता है, लेकिन ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ। क्यों इसी गीत का लिया, क्योंकि ये बहुत चर्चित है, ये सभी लोगों को मालूम है, है ना। मैं किसी और का भी एग्जांपल ले सकता हूँ गाने का, लेकिन बात यही है, कॉमन सी चीज़ है कि बांट और लय में हमको फ़र्क। तो ये सारी चीज़ें जब आपको सीखेंगे, जब जानेंगे, तो ईयर ट्रेनिंग होगी लय के माध्यम में,
है ना, लय के पर्सपेक्टिव में आप देखें तो। अब ये सारी चीज़ें हमको सीखने को कैसे मिलती हैं, तो यही हमारा स्वरांगिनी सिलेबस है, स्वरांगिनी का मेरे पिताजी जिस वे में सिखाते हैं कि सबसे पहले आप हर ताल को सीखते हैं, जो उमूमन जो यूज़ होते हैं, अधिकतर जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं छंदों को, उनको समझते हैं। दादरा, कहरवा, रूपक, तीन ताल, आपकी झपताल, एक ताल, ये तो बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके बाद एक से आठ की आप सारी लयों को जानते हैं इन्हीं तालों में। तो जब तालों की बांटों में आप अलग अलग लयों को लाते हैं तो देखते हैं कि लय का एक तालों का पूरा संसार ही अलग है, है ना। अलग अलग छंदों को अलग अलग लयों में बोलने की बात ही अलग है, तो इससे होती है ईयर ट्रेनिंग। तो ये सारी चीज़ें जब आप जानते हैं समझते हैं तो कान तैयार होते हैं, तो वो सारी चीज़ें पहचान पाएंगे। तो सीखना पड़ता है इस सब के लिए। फिर आते हैं रागें, रागें सीखोगे, है ना। अब ये सारी चीज़ें सीखनी है आपको, क्लासिकल आर्टिस्ट नहीं बनना है तब भी ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं पहचानने के लिए। आपको एक भाई नॉवलिस्ट नहीं बनना है, आपको कोई राइटर नहीं बनना है, तब भी अंग्रेजी में आपको सब सीखना पड़ता है। वो जो एक नॉवलिस्ट सीखेगा, है ना, तभी तो वो नॉवल पढ़ के उसका लुत्फ आप उसी नजर से उठा पाओगे। आप लिखते नहीं हो लेकिन आपको मालूम है उसने ये लाइन यहाँ यूज़ करी है, तो इसका क्या फिगरेटिव मीनिंग हो सकता है, क्या लिटरल मीनिंग हो सकता है, क्या इसमें रेफरेंस है, है ना, क्या जैसे कहते हैं ना अल्यूजन, कि भाई किसी और चीज़ का रेफरेंस इसमें आया है। तो ये सारी पोइट्री की चीज़ें, ये सारी लिटरेचर की, ये अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उसका इंजॉय कैसे करोगे उस नॉवल का। वरना आप उतना ही इंजॉय कर पाओगे उस किताब को जितना कि एक आम इंसान कर सकता है। तो आम इंसान से ज़्यादा उस चीज़ का, उस कॉन्टेंट का मज़ा उठाने के लिए आपको आम इंसान से ज़्यादा नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर कोई गाना सुनते हो एज अ म्यूजिशियन, तो आपको उसमें एज अ म्यूजिशियन क्या क्या मालूम चल रहा है। जो आम चीज़ें जो दूसरों को मालूम चल रही है वो तो सबको मालूम चल रही है, उसमें आप में और फिर उसमें क्या फ़र्क आया। आप में उसको, आपको उसमें सुर मालूम चलने चाहिए, लय, ताल, उसका पूरा खाका, पूरा स्ट्रक्चर आपको सामने आना चाहिए। अब कैसे फ़र्क करते हैं, देखिए मैंने कई वीडियोज़ भी दिए हैं कि शुद्ध कोमल तीव्र में क्या फ़र्क होता है, वो कैसे सीखें, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब देखिए मैं थाट आपको अलग अलग गा के बताऊँ तो सारे ग म प ध नि सा, अब ये सारे शुद्ध सुर थे हमारे। अब ये सारे ग म प ध नि सा, ये आपने देखा चार कोमल लगा दिए, सारे ग म प ध नि सा, यहाँ पे मैंने एक तीव्र लगाया। तो ये देखिए आप, मैंने अलग अलग 12 सुरों में आपको तीन थाट अभी गा के दिखाए, है ना। तो ये अलग अलग 12 सुरों का कॉम्बिनेशन था। ऐसे ही इन सुरों को जब गाओगे, सीखोगे, समझोगे तो ही तो फर्क मालूम चलेगा। अब यही चीज मैं किसी दूसरे पिच से गाऊं, सा, इसको सा ना मान के सा, इसको सा मान लूं, अब यहां से यही तीनों थाट गाऊं, सारे ग म प ध नि सा, और कोमल सुर सारे ग म प ध नि सा, अब यही कल्याण जो तीव्र सारे ग म प ध नि सा। तो इस तरह से हमारी ईयर ट्रेनिंग होती है जब हम अलग अलग पिच, अलग अलग थाटों को सीखते हैं, अलग अलग रागों को, अलग अलग लयों को, अलग अलग तालों को सीखते हैं, तो हमारे कान तैयार होते हैं, फिर हम वो चीज़ पहचान भी सकते हैं, गा भी सकते हैं और उसमें अलग लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो देखते रहिए संगीत प्रभा वर्ल्ड का चैनल, ऐसे ही बारीक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, जो कि एक्चुअली में संगीत में सीखने की हैं, ऊपर सतह ही नहीं गहरी नॉलेज है, ठीक है। तो देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड का चैनल, और संगीत धारा ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ फ्री शनिवार को, हर सैटरडे को फ्री सेशंस मिल रहे हैं, और जो पेड सेशंस हैं वो भी वन ऑन वन आप सीख सकते हैं, ग्रुप क्लासेस हो रही हैं जूम के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू आप सीख सकते हैं मुझसे, मेरे पिताजी से, मेरी बहनों से। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।